आम किसानों तक बैंकिंग योजना का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार विशेष प्रयास कर रही है। हमीरपुर जिला में इस दिशा में भी तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। अब किसानों को केवल खेती के लिए नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य कार्यों जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि के लिए भी बहुत सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के LDM संतोष कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समस्त लाभार्थी किसानों के लिए जिला के सभी बैंकों में कृषि कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण दिए जा रहे हैं। जिला के समस्त शाखाओं में इस योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध है। कृषि कार्य के साथ साथ कृषि आधारित अन्य कार्यों जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि के लिए भी कार्यकारी पूंजी के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में किसान के इच्छानुसार अनुमोदित प्रीमियम पर फसल बीमा का लाभ भी उपलब्ध है। इसके साथ ही रुपए क्रेडिट कार्ड पर निकासी सुविधा के साथ निशुल्क 1 लाख का बीमा भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान समय समय पर अपनी आवश्यकता पर ऋण का उपयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना में बैंकों द्वारा केवल 7% ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है, जो केवल ली गई राशि को उपयोग में किए गए दिनों के आधार पर लिया जाता है। 1 वर्ष के अंदर राशि चुकाने पर किसानों को 3% अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाता है, यानी किसान पर केवल 4% का न्यूनतम बोझ पड़ता है। ये अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान को साल में 1 बार ब्याज के साथ ऋण का भुगतान करना अनिवार्य है। किसानों को इस योजना का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। हमारे देश के किसान भाइयों के लिए कृषि कार्ड योजना 1998 से चल रही है, लेकिन अभी भी जो अपेक्षित परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए हैं। अभी भी बहुत सारे किसान इस योजना से वंचित हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर जागरूकता का अभाव है। मैं इसके माध्यम से सभी किसान भाइयों को आग्रह करता हूं कि वे किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर अपना जल्द से जल्द कृषि कार्ड बनवाएं। 1998 में जब कृषि कार्ड योजना लॉन्च हुई थी, उस समय सबसे पहले किसानों को खेती के लिए ऋण दिए जाते थे और उनके फसल में जो फसल उगाने में जो खर्च होता था सिर्फ उसी के लिए ऋण दिए जाते थे। 4 फरवरी 2019 से भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से ये आदेश जारी किया कि सारे बैंक जो केवल जमीन पर ही कृषि कार्ड देते थे वो एलाइड एक्टिविटी जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुकर पालन, मछली पालन सारे क्रियाकलापों के लिए लोन कृषि कार्ड में उसके रख रखाव पे जो खर्च आता है उसके लिए कृषि कार्ड बनवा सकते हैं। इस योजना में अब इससे फायदा ये हुआ कि जो पहले जिनके पास कम भूमि थी वो लोग कृषि कार्ड नहीं बनवाते थे, या जो भूमिहीन लोग थे लेकिन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हुए थे, जैसे गोपालन करते थे या मुर्गी पालन करते थे या बकरी पालन करते थे, वो पहले कृषि कार्ड का लाभ नहीं ले पाते थे, लेकिन 4 फरवरी 2019 से उनके लाभ के लिए इस योजना के लिए भी कृषि कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही जो 7 फरवरी 2019 से पहले जो ऋण सीमा 1 लाख रुपए थी कोलेटरल फ्री मीन्स संपार्श्विक प्रतिभूति, मतलब जमीन किसान को 1 लाख रुपए तक की सीमा के लिए मॉर्गेज करना नहीं होता था, उसको भी बढ़ा के सरकार ने 1,60,000 कर दिया। ये 7 फरवरी 2019 से अब 1,60,000 रुपए तक कोई भी बंधक कोई भी मॉर्गेज नहीं करना है और किसान इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही ये एक ऐसी योजना है जिस योजना में भाग लेने से किसान जितने दिन तक उस पैसे का उपयोग करते हैं उतने दिन का केवल 7% ब्याज चार्ज करती है बैंक। ये इसमें भारत सरकार बैंकों को सब्सिडी देती है कि आप 7% पे ऋण प्रदान कीजिए और यदि उस राशि को किसान 1 वर्ष के भीतर फसल कटने पे समय से वापस कर देते हैं तो 3% का विशेष अनुदान उनके खाते में आता है, जिसके वजह से किसान पर जो ब्याज का बोझ पड़ता है वो मात्र 4% पड़ता है। मतलब महीने का अगर 100 रुपये का हम कहें तो
मतलब 30 से 40 पैसे के बीच में आता है। तो ये इतने कम ब्याज पर सबसे अच्छा ऋण मिल सकता है। इसमें 3 लाख रुपए तक की सीमा तक 4% का लाभ लिया जा सकता है। 3 लाख से ऊपर पर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को देना पड़ता है। इस योजना में जुड़ने वाले किसानों को उनके फसल की भी बीमा बैंक द्वारा स्वतः ही कराई जाती है। फिर भी यदि अगर कोई कस्टमर जो चाहते हैं कि हमारा फसल बीमा न कराया जाए या किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसा लगता है कि यहाँ फसल बीमा कराने से सिर्फ प्रीमियम जा रहा है और हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक आपदा का संभावना कम है, वैसे किसान अगर चाहें तो बैंक को लिख के उसमें दे सकते हैं कि हमारा बीमा न कराया जाए। वो ऑप्ट आउट की फैसिलिटी उसमें उपलब्ध है। इसके साथ ही किसानों को उनके व्यक्तिगत दुर्घटना का बीमा भी कराया जाता है जो उनके खाते से सिर्फ 12 रुपए की न्यूनतम राशि पर उपलब्ध होता है। ये कृषि कार्ड 18 वर्ष से 70 वर्ष के कोई भी व्यक्ति का बनवाया जा सकता है और जो बीमा का लाभ है वो भी 18 वर्ष से 70 वर्ष के कोई भी व्यक्ति 12 रुपए देके अपने या तो कृषि कार्ड खाते में या बचत खाते में जहां भी चाहे, सोशल सिक्योरिटी की जो योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना में जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। किसान को इसमें ना कोई पॉलिसी रखने की जरूरत है ना कहीं कोई इसका रिकॉर्ड जानने की जरूरत है। सिर्फ ना किसी तरह की दुर्घटना होने पे बीमा कंपनी के पास दौड़ लगानी है, सिर्फ उनके खाते में जो 12 रुपए कटा है वही प्रमाण ही काफी है और किसान को इसमें 30 दिन के अंदर उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए का भुगतान मृत्यु की स्थिति में, जिस दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो उनको प्रदान किया जाता है। किसान के अगर किसी का एक अंग अगर खराब हो जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, बेकार हो जाता है, वैसी परिस्थिति में 1 लाख रुपया उनके जीते जी उनको प्राप्त होता है। और यदि किसी का दोनों अंग बेकार हो जाता है तो उस केस में जीते जी भी 2 लाख रुपया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का प्राप्त होता है। साथ ही इसके अलावे जो किसान सक्षम है बैंकों द्वारा उनके लिए एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें भी पंजीकृत किया जाता है। इसमें 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम कटता है। इसके फायदे ये हैं कि चाहे किसी भी प्रकार से अगर किसान की मृत्यु होती है, चाहे वो दुर्घटना से हो, नेचुरल हो, या किसी अन्य कारण से हो या बीमारी हो, तो वहाँ भी किसान को 2 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलता है। इस कोई भी किसान चाहे तो दोनों योजनाओं में 342 रुपया देके भाग ले सकता है और यदि उस किसान की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसको 2 लाख के बदले 4 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। अगर नॉर्मल डेथ होता है तो 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावे इस खाते में क्रेडिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड दिया जाता है, डेबिट कार्ड या ATM। रुपे कार्ड में सबसे बड़ी फायदा यह है कि इसके लिए कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप पैसा निकालते हैं या कार्ड को सिर्फ किसी पॉस मशीन पे या किसी ATM में स्वैप करके अगर कोई मार्केटिंग करते हैं या अगर बैलेंस भी देख लेते हैं तो वो 45 दिनों के अंदर आप स्वैप करते हैं तो 1 लाख रुपए का स्पेशल इंश्योरेंस इसमें कवर प्राप्त होता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये किसानों के लिए एक बहुत ही लाभदायी योजना है और आज के डेट में जो PM किसान की राशि आ रही है 2-2 हजार रुपये 4-4 महीने पे, विशेष तौर से मेरा सभी उन किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने निकटतम शाखा में जाएं और इस योजना के तहत जल्द से जल्द जुड़ें। जरूरी नहीं है कि आप पैसे तुरंत निकालें, आप एक लिमिट बनवा के रख लें। ये लिमिट आपका एक बार में 5 वर्ष के लिए बनता है और हर साल 10% आपको जैसे जैसे मुद्रा का वैल्यू घटते जाता है तो प्राइस हाइक के अनुसार इसमें 10% हर साल उस लिमिट को बढ़ा दिया जाता है। किसान को प्रति वर्ष सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 1 साल के अंदर जो राशि उन्होंने साल के अंदर निकाली थी
उसको एक दिन के लिए भी जमा कर देना है, पुनः उस राशि का उपयोग वो कर सकते हैं। 5 वर्षों बाद फिर केवल जमाबंदी का नया रसीद कटा के देना है कि आज भी भूमि का जो स्वामित्व है वो मेरे पास है, और उस आधार पर उसका पुनः 5 वर्षों के लिए नवीकरण कर दिया जाता है। तो मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों से सादर अनुरोध करता हूं कि वो जल्द से जल्द इस योजना में जुड़ें और इस योजना का लाभ लें।